अरे डेम डिपाया बछा हीर लूकी छिपिया बेसंगी डेम डिपाया बछा हीर डेम डिपाया बछा हीर अरे लूकी छिपिया बेरे दूर से मर दे मुसिटी कुद चली आबे संगी कुद चली आबे दूर से दिल तोरे में लग गेलक गोरिया मार ले जब तिरछी नजरिया हो तो के देख के दीवाना भेलो रे गोरिया मार ले जब तिरछी नजरिया ई तो के देख के दीवाना भेलो रे गोरिया मार ले जब तिरछी नजरिया तो के बोलाए रोहो से ने मोय तोरे लोहर दगाटी सन यसा देख देख बेरा डूब गेल असा देख देख नैना थैंक गेल काले नियाल रे सलम की दिल हमर टूटियो गेल री स्कूल जबे हले खिड़की के खुला रख बे ई तो के मोके कहना शादी करब कहना काल के गुया तो चलू रोरे मन की गीत संगीत कर दुनिया में फिर से शामिल करिल भीम सुमन कर म्यूजिक में और हमें मन बारी बारी से एक से बढ़ के एक कलाकार मन के रोर मन बीच प्रस्तुत करब जे मन रोरे मन के नचाबें रिझाबें और रोर प्रांगण के धुरा धुरा उड़वाक में रोरे के मजबूर कर देबें। अगर आप नागपुरी इंडस्ट्री में किस्मत आजमाना चाहते हैं या तो एक्टर बनना चाहते हैं या तो सिंगर बनना चाहते हैं या तो डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या तो कैमरामैन नागपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ भी करना चाहते हैं आप जसपुर भीम सुमन ऑफिशियल ग्रुप को कॉन्टेक्ट करके आप अपना किस्मत अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं रांची से आए हुए सत्या भाई। सत्या भाई के बारे में बता दूँ, ये मल्टी टैलेंटेड है, डायरेक्शन भी है और हीरो भी हैं और भी बहुत कुछ है। सत्या भाई से भी जानेंगे। सत्या भाई जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बताइए आप हमारे जसपुर के बारे में थोड़ा। जसपुर यहाँ पर फर्स्ट बार भीम भैया जो आज उन्हीं की स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उन्हीं का कृपा दृष्टि हुआ और फर्स्ट बार हम मेरे को 2017 या 18 में यहाँ आना पड़ा और इनके स्टूडियो में गाना गाया मैं, और यहीं से मतलब कि एक अलग पहचान मिला था। शुरुआत तो सिमडेगा ही से हुआ था। अच्छा। बट कहीं दूसरे जगह जाते थे, जाना जो जैसे होता है ना, दूसरे जगह जाना और अपना परफॉर्मेंस देना, तो वो पहला दौर था जो यहाँ पे आए थे। अच्छा। अपना स्टेट से बाहर फर्स्ट बार मेरे को भीम भैया बोले कि आइए गाना गा दीजिएगा, और वो भी आरआर म्यूजिक के लिए गाना था, दो म्यूजिक गाना हुआ, उसमें बंटी सर जो हमारे बीच नहीं रहे वो हमारे गाने में एक्टिंग किए। आरआर म्यूजिक में वो गाना छोटा था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और जिसके प्रोड्यूसर थे रंजीत रंजन जी। अच्छा जी, और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। सबसे पहले एक गाना सुनाइए हमारे दर्शकों को। गाना तो बहुत सारा गाए हैं। जो सत्या भाई का एक चैनल भी है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज आया है, 12 मिलियन करीब आया है ना। हाँ, वो गाना को सुनाइए हमें, हमारे दर्शकों को। अच्छा, वैसे तो चैनल दो थे। हाँ, चैनल दो थे, सबसे ज़्यादा व्यूज तो दूसरा गाना में गया हुआ है। अच्छा। बट अभी जो मेन चैनल है सत्या महतो ऑफिशियल, वो नागपुरी एक्ट था, उसको बदल के सत्या महतो ऑफिशियल कर दिया, तो वो गाना में छोटा था, मैं एक्टिंग नहीं किया था उसमें, सिर्फ मैं अपना सॉन्ग लिखा गाया और डायरेक्टरी मेरा था, प्रोड्यूस जो भी था मैं किया था। अच्छा। और अपना चैनल में गया था, अच्छा रिस्पांस मिला उस गाने से। गाना इसे था, अरे डेम डिपाया बछा हीर लूकी छिपिया बेसंगी डेम डिपाया बछा हीर डेम डिपाया बछा हीर अरे लूकी छिपिया बेरे दूर से मर दे मुसिटी कुद चली आबे संगी कुद चली आबे दूर से मर दे मुसिटी कुद चली आबे संगी कुद चली आबे। तो ये सॉन्ग था जो हमारे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए सबको धन्यवाद देते हैं, इसी तरह से प्यार देते रहें। ये सॉन्ग के आने के बाद मैंने अपना
रास्ता जो चल रहा था, जो जिस रास्ते में मैं चल रहा था, उस रास्ते में मैं अपने को बहुत तेज रफ्तार से दौड़ाया। अच्छा। सिंगिंग के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, लिरिक्स के माध्यम से, डायरेक्टरी के माध्यम से, और रहा बात है कि हर तरीका से लोगों का दिल जीतने का काम किया और लोगों ने सपोर्ट किया। नागपुरी प्रेमियों का यहाँ पर कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं भी जाते हैं, जैसे आज ही शूटिंग के लिए गए थे जसपुर में भी, मेरे को इतना मालूम नहीं था कि यहाँ पर भी मेरे को जानने वाले हैं। अच्छा लगा, आए भीम भैया के कृपा है जो आज जसपुर आए, और यहाँ पर आज हमने कम से कम, मैं आया हूँ यहाँ पर एक हफ्ता हो गया, और एक हफ्ता में आरिफ भाई कैमरा बहुत सुंदर करते हैं, उनके बदौलत हम लोग कम से कम ने तो 15-20 ठो गाना कर दिए हैं, और अभी और इतना बचले हैं और बचा हुआ है, अभी डेली सुबह शाम निकलना, शूटिंग के लिए निकलना, शाम में आना, गाना गाना, और बहुत बिजी शेड्यूल किए हैं ताकि लोगों के बीच कुछ अच्छा चीज़ पहुंच सके। और जितने भी यहाँ पर सॉन्ग बने हैं या फिर वीडियो बने हैं, वो सारा वीडियो भीम सुमन ऑफिशियल में देखने को मिलेगा जी। और जसपुर रांची की तुलना में काफ़ी पीछे है नागपुरी क्षेत्र में, ज़्यादा व्यूज भी नहीं आता है इधर का जितना भी लोग बनाते हैं, तो क्या कमी नज़र आती है? ऐसा तो हमको नहीं लगता नहीं, है। रांची साइड के बहुत सारे चैनल हैं, सारे गाने मिलियन में जाते हैं, इधर के जाते नहीं, ऐसे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? चेंजेस करने का तो ज़रूरत नहीं है, बट लोगों को ये मैं बतलाना चाहूँगा कि लिरिक्स जो होता है, लिरिक्स जो है कि आज हमारे श्रोतागण भी ऐसे भी होंगे जो सिंगर भी होंगे जो इस लाइन से जुड़े हुए होंगे, आप 10 गाना बनाने से अच्छा एक गाना सोच समझ के बनाइए, आप भी सफलता को हासिल करेंगे। यही कहना चाहेंगे कि आदमी जैसे कि चलते चलते कोई गाना बन गया तो चलिए गा देते हैं, ये सोच के लोग पहुंच जाते हैं स्टूडियो, गाना गा लेते हैं, उसके बाद वीडियो भी बना लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या गाना बनाना है, उसके ऊपर कैसा काम करना है, कैसे वीडियो आएगा, किस एक्टर को लेना है, किस एक्ट्रेस को लेना है, सारा चीज़ एक मेंटलिटी बैठाना पड़ता है। उसके बाद जो वीडियो का विवरण जो पर्दे पे आते हैं, उसको देखने के लिए, देखने से मतलब कि लगता है कि हाँ ये ऐसा वीडियो होना चाहिए, और बहुत ही खुशी की बात है कि एक वीडियो आया था जोया सीरीज में, बंधन करके आया था, उसी से एक्टिंग स्टार्ट हुआ था मेरा। बहुत सुंदर मेरे को जोया दी काम दी थी, बहुत सुंदर उसको गाना सुने थे किलो में। हाँ, वो उस गाने में मैं खुद एक्टिंग किया हूँ, खुद सिंगिंग किया हूँ, खुद डायरेक्टरी है। अच्छा। तो वो गाना था ये जन्म नहीं अगले जन्म, अगले जन्म नहीं सातो जन्म, सातो जन्म नहीं जन्मो जन्म, करमो तो के प्यार सनम, जग छूटी चाहे रूठी संसार, ये प्यार के बंधन, ये प्यार के बंधन ना टूटी कभी यार, ये प्यार के बंधन ना टूटी कभी यार, बंधन बंधन ये प्यार के बंधन, ना टूटे कभी ना छूटे। एक ये पति पत्नी के ऊपर गाना लिखे थे, और ये गाना को लिखने से पहले ही कि इसका वीडियो कैसे बनेगा, किसके ऊपर इसको दर्शाएं, ये सारा चीज बनाए थे। प्लानिंग यदि प्लानिंग पहले से किया जाए उसके बाद वीडियो बनाया जाए ना, तो ये सबसे बेटर रहता है। आज वीडियो में व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग गाना सुनते हैं, कैमरा उठाते हैं, इधर से लड़की आई, इधर से लड़का, डांस किए, एक पहाड़ में खत्म। बस यही एक थॉट है जिसके कारण लोग थोड़ा सा वीडियो क्यों देखें, लोग गाना कुछ बोल रहा है और वीडियो कुछ बोल रहा है, तो यही कारण है कि लोग दर्शक थोड़ा इधर उधर भटकते हैं, बस वही है। और आर्केस्ट्रा वगैरह भी गाते हैं? हाँ, आर्केस्ट्रा लोकल तो बहुत कम करते हैं, जैसे हो गया बंगाल, हो गया और उड़ीसा और दिल्ली, यहीं पर ज़्यादा आर्केस्ट्रा मेरा होता है। अच्छा। फिलहाल ही 3-4 आर्केस्ट्रा दिल्ली में हुआ। अच्छा, आज जो शूटिंग हुआ वो गाना को आप ही गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया, आज का गाना बहुत ही सुंदर था। आज का गाना को बताइए तो। आज का गाना बड़ा
इंटरटेनमेंट है, लोगों को पसंद आएगा ही। तीन हीरो तीन हीरोइन साथ में मिल के काम किए हैं और आरिफ भाई कैमरा किए हैं, और ये गाना भीम सुमन ऑफिशियल में आएगा। बहुत ही सुंदर लाजवाब गाना गाए हैं रोहित जी और शंकर सन्यासी जी, आप लोग देखिए। और ये वीडियो आएगा आपका भीम सुमन ऑफिशियल में, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भीम सुमन ऑफिशियल को जी। और कुछ बताइए हमारे दर्शकों को नागपुरी इंडस्ट्री के बारे में, हमारे जयपुर को कैसे बढ़ाया जाए। एक्टर एक्ट्रेस ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं लगता है ना इधर जी, रांची की तुलना में। हाँ, रांची की तुलना में तो झारखंड की तुलना में यहाँ पर थोड़ा एक्टर एक्ट्रेस लोग उतना ध्यान नहीं दिए, जो मेरे को पता चला यहाँ पर एक महीना से हूँ तो उतना मालूम नहीं चला। बट नागपुरी क्षेत्र इतना सुंदर क्षेत्र है, ठेठ नागपुरी अधिकांश बोलूँगा मैं, इसमें अपने जैसे हुआ सावन का महीना आएगा तो सावन का गाना होगा आपका, जब धान कटता है मौसम के ऊपरी ये गाना सब फिल्माया जाता है। तो ये सब चीज़ है जो अपना संस्कृति के से जो प्यार करते हैं और इसको बरकरार रखते हैं, जब इसमें रम जाते हैं लोग देखते जरूर वीडियो हैं लेकिन प्रोत्साहन नहीं देते हैं। आप लोग से गुजारिश है जो भी वीडियो देखते हैं नागपुरी, तो नागपुरी आपके अंदर भी बसा हुआ है, हमारे अंदर भी बसा हुआ है, आपके अंदर भी टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस उसे निकालने का देरी है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझने का कोशिश कीजिए कि आज हम तैयार नहीं होते हैं अपना संस्कृति को बचाने के लिए तो कल बाहरी लोग आके हमारे संस्कृति पे खतरा बनने का कोशिश करेंगे, जैसे हो रहा है। आज कहीं बंगाल से आ जाते हैं, कहीं बिहार से आ जाते हैं, हमारे गांव मोहल्ला में हमारा गाना अपने संस्कृति अपने भाषा का बजने छोड़ के दूसरे के बजते हैं, वो भी असभ्यता के रूप में बजते हैं, जिसका गाना को सुन नहीं सकते हैं माँ बहन के सामने, तो ऐसा ऐसा गाना भी बजता है। तो हम चाहेंगे कि अपने जसपुर क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले संस्कृति अपने नागपुरी भाषा को बचाने के लिए, बस यही कहना चाहूँगा जी। और भाई लोग कुछ गाना सत्य भाई से सुनना चाहेंगे? डमकच चलिए डमकच सुनाइए म्यूजिक के साथ। राग रागनी का बात आया तो जी डमकच तो राग रागनी बोलते हैं। हाँ एकदम राग रागनी है डमकच। अच्छा, तो अखरिया डमकच सुनाते हैं जी। अखरिया एक राग है तो हमारे गुरु आसाराम महतो जी ये गाना को अभी कर लिए हैं, बस ये वीडियो आएगा ही नागपुरी ताल म्यूजिक में, ये वीडियो आएगा इसे आप ज़रूर देखिएगा, और ये गाना का रिकॉर्डिंग हो चुका है। नित उठी खोजा खाना, जिंदगी कल्पना आयो नित उठी खोजा खाना, जिंदगी कल्पना निरे काले आयो, काले बाबा मुके जन्म देला, काले आयो काले बाबा मुके जन्म देला, निजुन मुके जन्म देला, माई के दुआरे छुआ कीड़ड़ी कीड़ड़ी कांदे, माई के रे माई के दुआरे छुआ, माई के दुआरे छुआ कीड़ड़ी कीड़ड़ी कांदे, मोसी माए किरे बुचु कत ही माया करी, मोसी माए किरे सोना कत ही माया करी, निजुन माया नित करी। तो ये गाना आप लोगों को बीच बहुत जल्द ताल म्यूजिक में आएगा, और इसे चैनल का नाम ताल म्यूजिक है। हाँ, ताल म्यूजिक है, और ये गाना शूट हो चुका है। अच्छा। शूट नहीं हुआ है, मतलब कि रिकॉर्डिंग हो चुका है, इसका शूट मैं ही करूँगा। अच्छा। और एक्टर मैं ही रहूँगा, बहुत मस्त बनाऊँगा इसको भी। आप लोग देखिए फिल्म आते कैसे हैं, इसको भी प्यार दीजिएगा आप लोग दुआ से। बहुत आगे तक आए हैं, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रहेंगे तो और आगे तक जाएंगे जी। और पार्ट टाइम में क्या करते हैं, फुल टाइम में है आप इंडस्ट्री में? फुल टाइम में तो नहीं है, अपना सिमडेगा का मनोरम दृश्य, प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ किला घाट, वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट है। अच्छा। और अपना ट्रैक्टर है बहुत है। एड्रेस बताइए तो फिर से। सलडेगा टोंगरी टोली अपना घर होता है सिमडेगा में, और सिमडेगा में बसा प्राकृतिक के गोद में किला घाट, वहाँ पे
रेस्टोरेंट अपना है। अच्छा, कभी भी आइए, छोटा नागपुर रेस्टोरेंट से हमारा रेस्टोरेंट को जाना जाता है, आप लोग कभी भी विजिट कर सकते हैं जी। और ऑर्केस्ट्रा में कंटिन्यू गाना गाते हैं, 1-to-1 उस टाइप से गाना सुने तो एक कंटिन्यू नहीं गाते हैं, बदल बदल के, बदल बदल के मतलब रिमिक्स टाइप में। रिमिक्स टाइप रिमिक्स टाइप में हाँ। अधिकांश तो रिमिक्स नहीं करता हूँ मैं, फिर भी बोलिएगा तो किया जाएगा। चलिए, हमारे दर्शकों लोग एक्साइटेड हैं सुनने के लिए। दिल तोरे में लग गे लक गोरिया, मार ले जब तिरछी नजरिया, हो तो के देख के दीवाना भेलो रे गोरिया, मार ले जब तिरछी नजरिया, ई तो के देख के दीवाना भेलो रे गोरिया, मार ले जब तिरछी नजरिया, हर दिल तो के दिए दली कर ले तुय प्यार, तोरे में लुटाब गोरी अपन दिलो जान, दिल तो के दिए दली कर ले तुय प्यार, तोरे में लुटाब गोरी अपन दिलो जान, तो के देख के दीवाना बेलो रे गोरिया, मार ले जब तिरछी नजरिया, ई तो के देख के दीवाना बेलो रे गोरिया, मार ले जब तिरछी नजरिया, ई तो के बोलाए रहो से ले मोय तोरे लोहर दगाटी सन, तो के बोलाए रहो से ने मोय तोरे लोहर दगाटी सन, यसा देख देख बेरा डूब गेल, असा देख देख नैना थैंक गेल, काले नियाल रे सलम की दिल हमर टूटियो गेल, काले तड़पाल रे सनम की रेल गाड़ी छूटियो गेल, रियी स्कूल जबे हले खिड़की के खुला रख बे, खुला रख बे, हर ये स्कूल जबे होले खिड़की के खुला रख बे, खुला रख बे, आयो के ना बताबे बाबा के ना बताबे आई लव यू, रे आयो के ना बताबे बाबा के ना बताबे आई लव यू, ई तो के मोके कहे ना शादी करब कहे ना काल के गुया, तो के मौके कहे ना शादी करब कहे ना काल के गुया, ई सिलम रे मोर चूनल को न जाबे, हाय रे सिलम रे मोर चूनल को न जाबे जी। बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा धुन है, आवाज भी है बहुत अच्छा आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हैं हम लोग जसपुर के भीम सुमन स्टूडियो में, और भीम सुमन स्टूडियो आज की डेट में बहुत अच्छा कलाकार लोगों को मौका दे रहे हैं, नए नए लोगों को बहुत आगे बढ़ाने बहुत में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर जो वीडियो का निर्माण करते हैं, निर्माता जितने भी हैं वीडियो का निर्माण करते हैं, हम चाहेंगे कि हर एक दिल में, हर एक निर्माता के दिल में भीम सुमन स्टूडियो, सुमन दादा और भीम दादा के जैसे जिगरा रखना चाहिए, कि हर एक नए से नए कलाकार को मौका देना चाहिए, बड़े से बड़े स्टार को भी वो नहीं छोड़ते हैं दादा लोग, वो लोग हर महीना हर हफ्ता कहीं ना कहीं अगर भूल होती है तो बोलते कि दादा आप आइए गाना गा दीजिए, भैया आप दीजिए गाना, या फिर आर्टिस्ट को बोलते हैं कि आइए आप एक वीडियो बना दीजिए। तो ये ना भीम दादा का, सुमन दादा का इतना बड़ा नागपुरी को आगे बढ़ाने में योगदान है ना, बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत दिल से उनका मतलब क्या बोलूं, नाम भी लेना नहीं चाहता, इतने महान ये लोग हैं कि नए कलाकारों को मौका दे रहे हैं, जो छूट गए पुराने हो चुके हैं उनको भी मौका देते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने को छोड़ दिए और नया को केवल ले रहे, और नया को ले रहे तो पुराना को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। हर एक गाना भी अगर कोई भीम सुमन स्टूडियो में आते हैं गाने के लिए तो उसको राग रागनी बताते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा जाए वो चीज़ समझाते हैं। तो ये हम मेरे दिल में बैठ गया है, और जब भी सुमन दादा फ़ोन करे या फिर भीम भैया फ़ोन करे, मैं हर समय इन भाइयों का काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ। उनको मेरा तरफ से पूरे ठेठ नागपुरी तरफ से सैल्यूट है जी। धन्यवाद सत्य भाई। और भैया एंकरिंग भी करते हैं, और आज भी आप प्रमोट कर रहे थे वहाँ पे, लास्ट में जब म्यूजिक ख़त्म हो गया शूटिंग उसके बाद में। अच्छा, हाँ। आप उस टाइप से टोन में सुनाइए तो, कैसे एंकरिंग करते हैं आप स्टेज में? स्टेज में
हाँ, तो जैसे जाते हैं स्टेज में कि बहनों और भाइयों, जैसे हिंदी में बहनों और भाइयों आपके बीच आ रहे हैं हमारे झारखंड की सुपर स्टार गायक मिस्टर कवि किशन जी, एक बार जोरों से इनका स्वागत कीजिए तालियों से। तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, और तो नागपुरी में भी होता है। तो चलो रोरे मन के गीत संगीत कर दुनिया में फिर से शामिल करील भीम सुमन कर म्यूजिक में, और हमें मन बारी बारी से बढ़ के एक कलाकार मन के रोर मन बीच प्रस्तुत करब, जे मन रोरे मन के नचाबें रिझाबें और रोर प्रांगण के धुरा धुरा उड़वाक में रोरे के मजबूर कर देबें। जी, बहुत अच्छा मजा आता है सुनने में। और चलिए भैया भोजपुरी में सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, बहुत सारे सुनने वाले हैं भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी भी सुना देते हैं। एक गाना सुने थे, बहुत अच्छा लगता है, दिल के करीब है, माँ से जुड़ा हुआ है गाना। माइया के दुधवा में अमृत के धार बा, माई के दुधवा में अमृत के धार बा, माई के दुलार बिना दुनिया अंधार बा, माई के दुलार बिना दुनिया अंधार बा। धन्यवाद धन्यवाद। तो सत्या भाई, नागपुरी में और क्या क्या करते हैं, शॉर्ट मूवी और कुछ कुछ करते हैं क्या नागपुरी में? नागपुरी में हाँ, शॉर्ट मूवी बनता है, एल्बम तो बनता ही बनता है, आधुनिक और ठेठ नागपुरी, अधिकांश ठेठ नागपुरी बनता है, और फिल्म भी बना है, और फिल्म लग चुका होगा, 23 तारीख को लगने वाला था। हो सकता है प्रोड्यूसर सर इसका शेड्यूल को चेंज करके 1 तारीख को करने वाले थे, तो 1 तारीख को कर दिए होंगे। जतरा एक प्रेम कथा। अच्छा। जतरा एक प्रेम कथा, दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारा पहला फिल्म जतरा एक प्रेम कथा सिनेमा हॉल में 1 मार्च को लगने वाला है, तो आप जाइए देखिए, प्यार दीजिए। जी धन्यवाद। तो सत्या भाई, आज के लिए बस इतना ही, बाकी दोबारा फिर से मुलाकात करेंगे, फिर कभी रांची साइड आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। जी जी एकदम। और तो मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे सरोज भगत जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्टिंग कीजिए, ऐसे ही ऐसे वीडियो हमारे सरोजदा लेके आएंगे आपके बीच, आपको इंटरटेनमेंट कराएंगे, हमारे नागपुरी आर्टिस्ट सिंगर यौ म्यूजिशियन लोग से रूबरू कराएंगे, और यहाँ के जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं उनसे भी रूबरू करवाएंगे। तो इस चैनल में बने रहिए और मजे लीजिए। जी धन्यवाद सत्या भाई, बाकी मिलते हैं गाइज बहुत जल्दी। इस वक्त हम लोग हैं भीम सुमन स्टूडियो में, और आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट स्टूडियो में।